अटैक ना मौत हो जी। असि सारिया जो साडे सहुरे परिवार दी रस्मां हुंदियां असि सारिया उत्थे जाके निभाईयां ने। सानू तो पहले ही कहा गया सी वी उस दी मौत ही हार्ट अटैक नाल होई। पता की है, ये मेनु भी इतने पता लग्या कि कहिंदे पहला सानू वो परिवार आ बैठा बई चाचा मुंडे दा, ये कहना भी मेनू सानू भी नहीं पता लग गया भोग तक की कहानी फुला। फोन खोलिया ना अपना मोबाइल खोलिया, मोबाइल चैट पढ़ी, किन्ने चिर दी चैट सी भाई? लम्मा 200 पेज है, 200 पेज 200 पेज दी चैट आ। चैट पढ़ी, चैट सारिया गल्लां सामने आईयां भी कुड़ी मुंडे नूं किवें परेशान करदी सी। जदों ही मुंडा कुड़ी नूं कहिंदा सी मेरी फाइल ला, मेरे कागज भेज, मैनूं मंगा इत्थे बुला, ओहदी कुड़ी ओह किवें जवाब दिंदी, सारिया गल्लां सामने आ गईयां। ओह पुलिस ने भी पढ़ियां ना। हां भाई पुलिस ने भी पढ़ियां। रोज पुलिस इह कह दिंदी आ बहाना कि असीं इहनूं जी तरतीब बार ला रहे आ, चैट नूं असीं पढ़ रहे आ, इक दो दिन दो साडा लीगल डीए आ जिहड़ा उहनूं असीं गल करांगे, असीं ऐं करांगे, असीं ऐं करांगे। हुण पुलिस दे उत्ते किहदा दबाव? 86 बंदियां दा दबाव है जां पुलिस ने पैसे खादे आ, जां पुलिस क्यों नहीं कारवाई करना चाहुंदी? शक है भी किहड़े किसी सियासी शहर दे उत्ते परचा इन्नी लेट होया जां किस दी शहर दे उत्ते सब कुछ हो रहा, तुहानूं किस शक? दो गल्लां हुंदियां, एक हुंदा सियासी बंदियां दी नाल हमायत जिहड़ी होवे शहर होवे, दूजा हुंदा पुलिस किते पैसा दे के लै इधर उधर कर जांदी है कहानी। पर मैं हैरान है 306 दा पकड़ पहले दिन ही बनदा है, जिद्दे इह गल सामने आउंदी आ परिवारक दरखास्त दिंदा वी साडा मुंडा उस कुड़ी दी वजह नाल मर गया, ओदी परचा बनता सी। पर पुलिस हाले भी तुसीं देख लो अज 40 दिन हो गए, अज आ के लोग सड़क ते बैठे आ, हाले कोई प्रशासन सुनन नूं तैयार नहीं है, तां फिर लोग जाणगे किथे? पर बेअंत कहिंदी है वी मैं मैनूं इस गल दा अफसोस है वी लवप्रीत इस दुनिया दे विच नहीं रहा, जे मैनूं डिपोर्ट करदे ने मैं आउण नूं तैयार हां ते अपने सहुरे परिवार दी सेवा करन लई तैयार हां, तां इह गल मन रही है। नफरत करदे आ ते भी ओह आखणे मैं इत्थे रोडी लगू भी इत्थे रहे, लोकां दी सिंपथी लोकां दी हमदर्दी भी लैण दे ढंग हुण तरीके हुंदे आ ना, भी अज लोक उहनूं गालां कढ रहे, लानतां पा रहे आ, बाहरले लोक भी उहदे मगर पए होए ने। पर मैं बाहरल्यां नूं भी कहना चाहुंदा भाई जिहड़े उहदे वकील वकूल कर रहे आ पंजाबी बंदे, उहनूं मैं सुणिया उहदी मदद कर रहे ने, कुछ वकील बणे ने, कुछ वकील हैगे ने जिहड़े उत्थे, मदद ना करो माड़े बंदे दी, मदद ना करो। किसी दा नौजवान पुत मरिया छोटी मोटी गल नहीं, बंदे दा मरना बहुत वड्डी गल हुंदी आ, उह परिवार दा सारा कुछ उजड़ गया। किन्ने भाई सी भाई? इक दो गल्ला सी भाई, जमा गल्ला मुंडा सी मां दा, ओह मां दा संसार उजड़ गया, उहनूं मिलू? सारी उम्र नहीं उहनूं दुख झल्लिया जाणा बेचारी तो, सारी उम्र सिस के मरूगी उह। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਪਰਚਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਜੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆਈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਹ ਪੈਜੂ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੈਜੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰਨਗੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕੀ ਚਲੋ ਕੰਮ। ਲੱਖਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹੈਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੀਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ, 12 ਪੜ੍ਹੀ ਕੁੜੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਜਾ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾਕੜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੰਗੇ ਦੀ ਮਾੜੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਖ ਆ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਹ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਯਕਦਮ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁੜੀ ਰਾਇ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
क्योंकि मां का क्या होंगे कि कोई नहीं कहना सानू भेज दे दस भी लख इधर कमा के माड़ा जहा पैरों से हो जाए या सानू पहला बुला ला फिर सद ली मुझे जाने ये कितने कमी है साडे करदार मर गए पंजाबियों के अखलाक मर गए असि खोटे हो गए सीधी जी गल तो यह है साढ़े लिए मुख पैसा है तो पैसा कमाने दूजा कनेडा है कनेडा कनेडा अमरीका अमरीका पैसा कनेडा अमरीका आईलैट्स कमली हुई पी है दुनिया कमली मैं अंकड़े बोले से उत्थे पंजाबी ट्रिब्यून की चरणजीत तो भुल्लर की खबर है परसों की तुम पढ़ी होने 262,000 विद्यार्थी पंजा साल जा चुके हैं 4,000 करोड़ रुपया साढ़ा पंजा साल सरमाया पंजाब का आना उधरों इधर से उल्टा इधर उधर वग गया 150 विद्यार्थी रोज चढ़ जाता है भुल्लर लिखता है कहना करोने ने थोड़ी ठल पाती नहीं तो पता नहीं किन्ने जाने से इतों इनिया फाइलां रुकिया खड़िया ने थां थां आईलैट सेंटर खुल गए कॉलेज साडे वेले हो गए यूनिवर्सिटियां साडिया खाली हो गई ग्राउंड साडे खाली हो गए दिखना नहीं नौजवान का इतने एडा साडे लोगों नूं भेड़ चाल भूत सवार कनेडा का समझ नहीं आती भी एडा कि उत्थे रखिया खजाना भी तुसीं जाके हथ पाउणा बाकी गल्लां मेरे नाल बैठे ने रंधावा बैठा भाना बैठा बठिंडे वाला बैठा बई ढिलो ये बैठे है मुंडे राजू बैठा जी मेरा सीधा सवाल है भी ये धरना कदों तक जारी रहेगा जां किस तरह हुण इंसाफ दी मांग करदे हो कि 420 दा परचा करके तां प्रशासन दा चुप करके बैठ गया देखो एक एक्शन कमेटी बन गई है जिहड़ा भी फैसला लेना है सड़क जाम है सड़क किन्ने दिन जाम रखनी है एदू अगला किहदा घराओ करना है किधर नूं मूंह करना है कि इहनूं अगली रूपरेखा देनी है संघर्ष नूं उह तय करूगी संघर्ष कमेटी उह जो तय करूगी असीं नाल मजबूर करना 306 होंगी है 320 भी बनती है नाल साजिश रच के पूरे परिवार ने ओनू मरन लई मजबूर किया 306 120 भी लाउण नाल पूरा परिवार चाचा कुड़ी दा प्यो मां उहदा भरा त्यो कुड़ी सारे नामजद होने चाहिए यानी कि उस तो बाद ही धरना चुकया जाएगा जब तक पूरी संतुष्टि नहीं बिल्कुल तां इस समाज से भी लखा सिधाणा जी।